तो चमार को ही देंगी। ऐसा कौन सोचता है? बहुत लोग सोचते हैं। अभी मैं चौका बर्तन करने जाती हूँ, काम करने जाती हूँ, वहीं पूछते हैं मोदी जी को देना, क्यों दे मोदी जी को, हम चमार हैं, चमार को देंगे। बुद्ध बिहार चमार लोग हैं, चमार है का वोट दे हैं। अच्छा। इसलिए रोड इधर की नहीं बन रही है। सारे तरफ के देखो बढ़िया रोड बन गई है, पर इधर की हमारी बुद्ध बिहार की पूरी रोड छुड़वा दी ने। मांगने आई है क्या मांगने? मैं तो पूछने आई हूँ कि किसको वोट देके ला रही है सत्ता में? लाएंगे तो माता मायावती बहन को, और किसी को तो लाएंगे नहीं। अच्छा। कि जो मेरी बहन है उन्हीं को देंगे, और किसी को तो नहीं देने वाले हैं, ना दिए हैं आज तक ना देंगे। और बाकी जो वो जो सोचे कोई किसी को दे तो दे दे। हाँ। हमसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हम तो मायावती को ही देंगे। हाँ। और किसी को नहीं देंगे, वोट मायावती जी को देंगे। लेकिन सरकार तो योगी जी की आई, उनकी तो ना आए तो अच्छा ही है। तकलीफ क्या रही? नाली खुली हो तो दिख रही है। अरे वो तो दुनिया को दिख रही है, वो तो दुनिया को दिख रही है। हाँ। क्या हम ही को दिख रही है? ऐसा कुछ जो दुनिया को नहीं दिख रहा है आप बताना चाहें? नहीं, हमको कुछ नहीं बताना है। नहीं बताना है तो खुद ही इंसान को दिख तो रहा है, और क्या दिख रहा है? क्या तकलीफें रही? कुछ नहीं तकलीफें रही है, सब ठीक है। फिर भी बहन जी को लाना है? फिर भी बहन जी को ही लाना है, लाना है तो बहन जी को लाना है बस। जब तकलीफ नहीं रही तो काहे लिए फिर? क्या करें, क्या बताएं, क्या दुनिया को नहीं पता है क्या है? दुनिया को तो पता है कि मोदी जी ने क्या किया है। हाँ, क्या किया है? क्या किया है दुनिया तो देख ही रही क्या किया है। अरे तो बता दो ना क्या किया है। बता दे, क्या बताएं? क्या बता दुनिया तो देख ही रही है, तो क्या देख रही है? क्या बता दे, बताइए क्या बताएं? दुनिया नहीं देख रही, आप बताओगी तब देखेगी, बताओ। अरे क्या बता दे भाई, क्या किया? नहीं एक मिनट रुको रुको, नहीं 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 दीदी को छोड़ो, क्या किया मोदी जी ने? क्या किया मोदी जी ने? इतना अच्छा काम किया है, अपना नाम कमा रहे हैं, अपना नाम कमा रहे हैं, और क्या, कोरोना फैला रहे हैं। जो उसके पास हराम की कमाई है बटोर के रखा है तो गरीबों में बांट रहा है, क्या कर रहा है उसके, क्योंकि हराम की है ना, मेहनत की तो नहीं है उसके पास। हमें लोगों का लेके हमें लोगों को दे रही है, फ्री में अनाज दे, फ्री में दे रही है। वो जब दे रहा है तब भी हम खाते हैं, नहीं दे रहा था तो भी खा रहे थे। मतलब दे रहे हैं तो ले भी लिए, उसके बाद क्यों नहीं लेंगे? वो अपने पास है तो दे नहीं रहा, वो हराम का पाया है, हम लोगों को खुद ही बटोर के रखा है तो दे दिया, तो हम लोग ले लिए। जब उसके पास है तो फेंक रहा है, हम लोग बटोर रहे हैं, लेकिन वोट नहीं देंगे उसको। वोट नहीं देंगे ना, ले लिए अनाज, ले लिए क्योंकि हमारे पैसे का था, मेरे पैसे का है ना। हाँ। क्योंकि टैक्स तो लगा दिया, जीएसटी तो बढ़ा दिया। हाँ। हर चीज पे महंगाई किया है। हाँ। तेल इतना महंगा हो गया है। हाँ। तो वो क्या हम लोग से तो ही छीन के ले रहा है। अच्छा, ये तो मोदी जी की बात हो गई, योगी जी कैसे लगे? योगी जी भी बेकार है। बेकार है और क्या, कैसे बेकार? वो क्या है, वो क्या किया, क्या किया? आपको फ्री में राशन तो उन्होंने भी दिया, उन्होंने दिया तो वो भी है, यही है, यही काम किए हैं, यही काम किए हैं, बिल्कुल। उसके अलावा कह रहे महिलाओं की सुरक्षा में बड़ा काम किया है। क्या महिलाओं में सुरक्षा किया है, क्या किया है? आपको महसूस नहीं हो रहा? ना, नहीं हो रहा। तो मायावती की सरकार में सुरक्षा महसूस होती थी? और क्या, उसमें कम से कम लैटरी बंद हो गई थी, कितने दिन तक फैक्ट्रियां मसाले की बंद रही, औरतों को निकलने की बाहर इजाजत मिली, हाथ उठाने की कुर्सी मिली बैठने के लिए, और क्या चाहिए हम लोगों को? बाकी भगवान दो हाथ दिए, हम लोग कमा खा सकते हैं। मायावती राशन दे या ना दे या कुछ भी ना दे, लेकिन वोट उन्हीं को देंगे, सरकार उन्हीं की आनी चाहिए बस, और हम कुछ नहीं जानते। बस और कुछ नहीं जानती हैं। नाम आपका बताइए। आशा गौतम। आशा गौतम। अच्छा, अब आपकी बारी, जरा आपसे भी बात कर ले। आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम संगीता है। तो संगीता जी आप बताइए, वो तो बहुत खफा है योगी जी मोदी जी से, आप बताइए। तो भाई हम उन्हीं के कास्ट के हैं तो उन्हीं को हम भी देंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा चलता है क्या कि कास्ट के हैं तो उनको देंगे? है, अब हम उनके कास्ट में हैं, अब किसी को दें या ना दें, नाम तो उन्हीं वही, नाम बदनाम तो वही में है। बदनाम मतलब क्यों? चमार है तो चमार को ही देंगी ना, चमार है तो चमार को ही देंगी। ऐसा कौन सोचता है? बहुत लोग सोचते हैं। अभी मैं चौका बर्तन करने जाती हूँ, काम करने जाती हूँ, वहीं पूछते हैं मोदी जी को देना, क्यों दे मोदी जी को, हम चमार हैं, चमार को देंगे। क्योंकि वो मेरी बहन है, योगी जी मेरे कोई नहीं। बीजेपी के तो सभी वोटर है, सभी बीजेपी को देते हैं। अरे तो दुनिया में कोई भी दे, हमसे क्या मतलब है, जो जिसका करना है जो करेगा, जो जिसकी सोच है वो करेगा, जो जिसको समझ में आएगा उसी को ना देगा, किसी दूसरे को तो देगा नहीं। अभी आजकल बड़ा ब्राह्मण ब्राह्मण कर रही है सारी पार्टियाँ कि ब्राह्मण हमारे में आएगी। बसपा भी देखो ब्राह्मणों को लाने के लिए कितना मेहनत कर रही है। ब्राह्मण किसके हैं फिर? पता नहीं किसके हैं, कोई पता है क्या? इन लोगों का फिक्स नहीं है। बोलता है वो बिल्कुल, अगर झूठ ना बोले तो हम लोग 10 रुपया चढ़ा, यहाँ कथा हो रहा है, 20 रुपया हम इन लोगों से लेके गेहूँ चावल लेके जाते हैं तब खाते हैं। वो झूठ, हर हर बात पे झूठ बोलता है।
हम लोग का हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग का दिल बहुत बड़ा है, भले गरीब है, भले गरीब हैं लेकिन दिल बहुत बड़ा है, झूठ नहीं बोलते। मायावती का भी बहुत बड़ा दिल है, क्योंकि औरतों को बाहर निकाली हैं, समाज के सामने लाई हैं, औरतों को हक दिलाई हैं। ये क्या दिलाया है, गेहूँ चावल दे दिया 5 किलो बस बस, तेल महंगा हो गया, तेल तो महंगा है ही है, चीनी महंगी है ही है, क्या चीज सस्ती किया है ये, क्या चीज। अब इस समय दाल सस्ती करवा दिया क्योंकि उसको वोट मिलने के लिए है ना, अच्छा। दाल इसलिए सस्ती करवा दिया है, अच्छा। और क्या किया, क्या कोई दाल ही खा लेगा। इतनी राजनीति समझती हैं आप, क्यों नहीं, क्यों नहीं समझते, बाहर हम भी निकलते हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं तो सुनते तो है ही है, अक्ल तो है ही है, दिमाग तो है ही है, इससे क्या है। लेकिन देखो कोरोना में जो कुछ भी हुआ उसके बाद वैक्सीन लगी सबको फ्री में, हाँ उसी में, उसी के पीछे कोई राज होगा ना, उसका राज होगा, जरूर होगा। कैसा राज, मतलब कोई भी राज हो पता नहीं, पीछे से फिर कोरोना आने वाला या हंटर आने वाला, वो हंटर दिखा रहा था, हंटर आएगा, हंटर आया, हंटर कोरोना आया, हो सकता उसी के पीछे कोई राज हो, हो सकता, यही हो सकता है। चलिए अब उनसे जाकर पूछे, बता भी रही है, बहुत शुक्रिया ना। आप इनके घर में ही है, एक ही घर में, अच्छा तो कौन देवरानी है, कौन जेठानी है। ये देवरानी है, हम भी देवरानी है, वो जिठानी है, सबसे बड़ी आप है। ये जिठानी है, तो लेकिन मुझे लग रहा है घर में चलती आपकी है। नहीं, ये नहीं मेरी चलती है, चलती है, हाँ बिल्कुल चलती है, जहाँ चलानी चाहिए वहाँ चलेगी, क्योंकि मायावती ने बोलने के लिए अधिकार दिया है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं। अच्छा, जहाँ बोलने वाला अधिकार होगा वहाँ बोलेंगे। योगी जी ने कौन सा मुंह पे उंगली रखी है, नीचे से बोलेंगे। योगी जी ने कौन सा आपके मुंह पे उंगली रखी है। योगी जी ने उंगली तो नहीं रखी है, लेकिन फिर भी वो मुझे नहीं समझ में आते हैं, नहीं समझ में आते हैं। अच्छा, बाकी की कोई पार्टी है, अखिलेश हो या फिर प्रियंका गांधी, बस मायावती, मायावती उन्हीं की सरकार आनी चाहिए, बस एक नंबर, एक वही है, वोट उन्हीं को मिलेगी। अच्छा, आप भी इसी परिवार के हैं क्या। अरे हम भी परिवार के हैं। अच्छा, ये आपकी सासू है, परिवार में है सब लोग, सासू है, बहुए बहुत तेज है आपकी। अरे तो तेज होना ही चाहिए आजकल के समय में, और क्या। देखो मतलब दूसरी सासू जी तो कहती मेरे सामने पटर पटर कर रही है, और क्या, बहुओं को आजकल तेज होना चाहिए। क्या बात है, ऐसी सास सबको मिले, और क्या, सबको मिलना ही चाहिए। सासू माँ ये बताओ सरकार किसकी आ रही है, है? किसकी सरकार आ रही है। अरे अब सरकार जिसकी भी आ जाए, दिक्कत नहीं कोई, हमको क्या दिक्कत है, बीमारी फैलेगी, महंगाई बढ़ेगी, और हमको तो वही कमाना ही खाना है, हमको क्या मिलना है, आपको नहीं मिलना है, हमको क्या मिलना है। बहुए 5 किलो गेहूँ चावल मिला है, उसी में क्या हम ना राजा होंगे और ना हमारा जीवन पार होगा। नहीं पर बहुए कह रही है कि मायावती की सरकार आनी चाहिए। हाँ तो मायावती की आना चाहिए, तो आ जाए तो अच्छी बात है, हाँ। हम तो कह रहे हैं मायावती आ जाए तो अच्छी बात। अच्छा, आप भी एक घर में कितनी बहुए हैं, आपका नाम। हमारा नाम है किरण। किरण इसी घर की हैं आप भी। नहीं हम उधर रहे, उधर की हैं। अच्छा तो यहाँ आप लोग अपना चौपाल लगाती हैं क्या। नहीं हम, आप बोल रहे थे तो हम आ गए। आ गए, मुझे लगा, नहीं मुझे ये नहीं मुझे ये अच्छा लगा कि यहाँ पे महिलाएं चौपाल लगा के अपना राजनीति डिस्कस कर रही हैं, एकदम अच्छी बात है। तो क्या यहाँ कोई पार्क तो बना नहीं है भाई, यही अपना दरवाजा है, यही तो बैठेंगे, कहाँ जाएंगे बैठने। ये भी एक तकलीफ है कि यहाँ कोई पार्क नहीं बना है, इनको पॉलिटिक्स डिस्कस करने की बड़ी तकलीफ हो रही है। तो अब की बार मायावती जी आए तो एक पार्क बनवा दे, हो सकता वो भी बनवा दे, सोच जाएंगे हम लोगों के लिए, सोच जाएंगे तो बनवा देंगी। वो बनवा देंगी। तो आप बताइए क्या माहौल लग रहा है। माया ये तो सीधे आ रही है, माया मायावती चाहिए और कोई ना चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। नहीं। एक तो बच्चन की सब पढ़ाई पर बात कर दी, 2 साल से बंद है स्कूल, हमारे बच्चे सब घर में बेकार बैठे हैं, न कुछ न काम न धंधा, हम लोग भी बैठे हैं, कोई काम नहीं हमारे पास, स्कूल बंद है, बस यही दिक्कत। ऑनलाइन क्लास नहीं चल रही। अरे ऑनलाइन चल रही, लेकिन सबके पास मोबाइल तो है नहीं। अभी बांटेंगे ना योगी जी, बांटेंगे तो बड़े बच्चों को बांटेंगे, बांटे भी हैं, बड़े बड़ों को बांटने, छोटे को तो बांटेंगे नहीं। स्कूल भी बंद है, हमको फीस भी पूरी देनी पड़ रही है, फीस पूरी देनी पड़ रही है, पूरी देनी पड़ रही है, हाँ। तो हमको बहुत दिक्कत है, हमारे बच्चे फ्री में पढ़े भी नहीं, हमको फ्री में पैसा देना पड़ रहा है, और काम भी बंद है, पैसे दे तो कहाँ से दे। आपका नाम कमला। आप ही एक छूट गई थी, आप भी बात करिए, कहे छूटेंगी। आप बताइए। मायावती यहाँ तो ठीक है, ठीक है। तो योगी जी आए तो कोई दिक्कत। दिक्कत तो कोई नहीं, पर अपने जो है ना समाज की है मायावती बहन, वो ठीक है अपनी,
नहीं, वो तो सर्व समाज के लिए काम कर रही है, कह रही है सर्व समाज के लिए अब सरकार। नहीं, मायावती ही ठीक है अपने लिए, क्योंकि अपनी कास्ट ऊंचे और बढ़ी है जो है ना, क्या कहते अपना नाम रोशन हुई है कि हमें मतलब महिला कोई है तो ऊंचे पर है, इसीलिए जो है ना मायावती ठीक है। इधर के जितनी रोड है तो इसलिए नहीं बनती कि ये जो है ना क्या कहते बुद्ध विहार चमार लोग हैं, चमारहे का वोट दे हैं, इसलिए रोड इधर की नहीं बन रही है। वह सारे तरफ के देखो बढ़िया रोड बन गई है, पर इधर की हमारी बुद्ध विहार की पूरी रोड छोड़वा दी ने जानबूझ के, जानबूझ के कि इधर जितने हैं सब चार चमार रहते हैं, तभी रोड जो है ना कहा यहाँ नहीं बनी, तो इसीलिए हमको क्यों दें वोट, दूसरे को देंगे नहीं। तो मतलब वो आप जो भी विधायक होता है आपका वो यहाँ ये जानबूझ के नहीं बनवाते कि इधर छोटी कास्ट के लोग रहते, छोटी कास्ट के रहते हैं, ये मायावती के आदमी है, मायावती ही का वोट दें और किसी को नहीं देंगे, इसीलिए इधर के वोट मतलब जो ना रोड नहीं सही करवा रहे हैं। चलिए कमला जी, चलिए।